विधायकों की बगावत झेली, फिर हाथ से गई सत्ता और अब छिन चुका है पार्टी का नाम निशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। उद्धव ठाकरे के साथ क्या होना बाकी है, इसी एक सवाल के इर्द गिर्द इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। 60 के दशक में जिस शिवसेना की नींव बाला साहब ठाकरे ने रखी, 90 के दशक में देश का बच्चा बच्चा उससे परिचित हो गया। शिवसेना जिसकी पहचान हिंदुत्व से होती है, शिवसेना जिसकी पहचान ही मराठा से होती है, शिवसेना जिसकी पहचान उसकी आक्रामकता से होती है, आज उसी शिवसेना के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आलम यह कि खुद के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की डगर पर अब दौड़ लगानी पड़ेगी। सामने आई ठाकरे और केजरीवाल के साथ की तस्वीर, मोदी विरोधी ठाकरे का अगला दौर क्या होगा, अब उद्धव ठाकरे के साथ क्या होना बाकी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 25 साल पुराना रिश्ता तोड़ा, जिस कुर्सी के लिए बीजेपी से ब्रेकअप किया, आज उसी कुर्सी पर शिवसेना का नाम निशान लिए एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 की तस्वीर को कोई भुला नहीं सकता। 19 की लड़ाई में बीजेपी से सालों पुराना नाता तोड़कर जब प्रदेश में कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से शिवसेना की सरकार बन रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री बनने की होड़ में एकनाथ शिंदे सबसे आगे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी की परंपरा को ही बदलते हुए खुद को सबसे आगे रखा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलना उद्धव ठाकरे को इतना महंगा पड़ा कि पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि देखिए, 2 साल बाद ही महाराष्ट्र सरकार की ऐसी तस्वीर बदली, रातों रात ठाकरे की कुर्सी चली गई और शिंदे की शिवसेना सरकार में आ गई। हालांकि सरकार बनते ही शिंदे के एक वार से ठाकरे की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। भले ही एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से सत्ता और पार्टी का नाम निशान छीना हो, लेकिन मोदी पर निशाना साधने से ठाकरे बिल्कुल चूकते नहीं हैं। पीएम मोदी को ठाकरे ये याद जरूर दिलाते हैं कि बाला साहब ठाकरे की वजह से ही आज वो प्रधानमंत्री हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले ठाकरे इन दिनों राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी खूब नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाला समय उद्धव ठाकरे के लिए कितना चुनौती भरा रहेगा। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना अब आनंद आश्रम से चलती है और ऐसे में मातोश्री से क्या ठाकरे अपनी खोई हुई राजनीतिक छवि पा सकेंगे? अब उद्धव ठाकरे के साथ क्या होना बाकी है? अब क्या नए नाम से राजनीतिक पार्टी बनाएंगे उद्धव ठाकरे? इसको लेकर प्रयागराज से क्या कहती है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की भविष्यवाणी, देखिए धर्म ज्ञान के इस खास वीडियो में। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा गर्माई हुई है। पहले तो शिवसेना की सरकार चली गई, उसके बाद जब शिंदे सरकार में आए तो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी शिंदे के नाम हो चुका है। शिवसेना जो कि हिंदुत्व के तौर पर जानी जाती है, जिसकी पहचान हिंदुत्व से होती है, शिवसेना के पार्टी अध्यक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे वो अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आगे मतलब क्या इससे उनकी अपनी छवि खराब होगी जो उनकी हिंदुत्ववादी छवि है? और अगर उनकी छवि से प्रभावित होती है तो अब 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? देखिए कविता जी, जैसा कि आपने कहा, आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाना और उद्धव ठाकरे का, देखिए उद्धव ठाकरे के इस यहाँ पर भाव भंगिमा, उनके चेहरे की गणना अगर की जाए, उससे पहले थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें। हालांकि इस विषय पर सबको पता है, लेकिन यह जानना जरूरी हो जाता है कि जब पूर्णतया कांग्रेस शासनगत थी, पूरे भारतवर्ष पर शासन था कांग्रेस का, उस समय भी बाबा बाला साहब ठाकरे ने सिर्फ हिंदुत्व और धर्म का विषय उठा करके कि हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व का एक ध्वजा लेकर चल रहे हैं, वह ध्वजा इतनी मजबूत थी कि कहते हैं कि वह जहां कदम रख देते थे, जहां हाथ उठा देते थे, वहां पर कदम लोगों के रुक जाते थे और वहां पर सैलाब आ जाता था। तो उद्धव ठाकरे अगर ऐसा कर रहे हैं धर्म विरोध में, अब धर्म विरोध में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस समय इस भारतवर्ष की धरा पर अगर कोई सनातनी धर्म का चेहरा है तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी जी हैं। इन दो चेहरों के अलावा किसी को
राजनीतिक रूप से धर्म का चेहरा अभी भारतवर्ष की जनता स्वीकार नहीं की है और ना कोई अपने आप को उस तरह से अब जनता के सम्मुख रख पाए हैं। तो अगर वह धर्म से हट करके कुछ राजनीतिक सिर्फ छवि बनाना चाहेंगे उद्धव ठाकरे, तो वह समाप्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनका मूल हिंदुत्व है और अगर हिंदुत्व को लेकर ही वह आगे बढ़ेंगे तभी उनके लिए उचित होगा, उनके मान सम्मान, उनके राजनीतिक करियर के लिए भी उचित रहेगा। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना की नींव बाला साहब ठाकरे ने रखी और आज देखिए, आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी है कि ना सिर्फ पार्टी के नेताओं ने उनसे बगावत की, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और अब देखिए चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से निकल गया। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ, अब क्या शिवसेना को पूरी तरह से उनके हाथ से तो शिवसेना एक तरह से चली गई, तो अब क्या अब वो अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, कुछ ऐसे भविष्य में आपको ऐसा नजर आ रहा है उनके साथ? बिल्कुल, देखिए जो वर्तमान गृही स्थिति है और जो उद्धव ठाकरे का और जो शिवसेना का लिया जा रहा है, उनके गठन का लिया जा रहा है, जब वह शिवसेना एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रखा, प्रस्तुत किया, तो तब भी बाबा बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हम हिंदुत्व की राजनीति करने आए हैं, हम राजनीति करने नहीं आए। हिंदुत्व की राजनीति मतलब कि हिंदुत्व को स्थापित करना। तो अब उद्धव ठाकरे के पास, क्योंकि वह विकल्प चला जा चुका है, वह चिन्ह जा चुका है जिसको लोग बाबा बाला साहब ठाकरे और शिवसेना का मुख्य चिन्ह मानते थे, तो अब उनके पास वही विकल्प है और गृहीय दृष्टिकोण से भी वह किसी पार्टी के साथ नहीं मिलन करेंगे, वह नई पार्टी का गठन करेंगे ही करेंगे और कोई विकल्प नहीं बचता है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में देश में एक और बहुत बड़ा बदलाव अनुभव किया गया है। ये बदलाव कार्य का भी है, कार्य शैली का भी है। भाजपा की सरकारें भी कार्य को छोटा नहीं समझती। हम मानते हैं हर काम बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम बनता है, इसलिए भाजपा की सरकारों ने गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट, ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस किया है। पहले की राजनीति में ये बहुत फैंसी विकास नहीं माना जाता था, पहले की राजनीति में इसे बड़े काम के तौर पर देखा भी नहीं जाता था। इसलिए आज जो भी सरकारी लाभ है वो हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर वर्ग जो उसका हकदार है उस तक तेजी से पहुंचने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाता है। पूरा का पूरा पहुंचे इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया जाता है। किस क्षेत्र, किस वर्ग, किस समुदाय में कितने वोट हैं, इस आधार पर न हम देश चलाते हैं, न राज चलाते हैं, न सरकारें चलाते हैं। और हमें आज इस बदली हुई राजनीति के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है।